दोस्तों, स्वागत है आप लोग का। दोस्तों, आज से हम एनसीईआरटी क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहला जो आज सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं हम, वो पढ़ेंगे ज्योग्राफी। क्लास 9, 10, 11, 12 सबसे पहले हम ज्योग्राफी खत्म करेंगे, देन हिस्ट्री खत्म करेंगे, देन पॉलिटी खत्म करेंगे। ऐसे ही सो ऑन आगे हम बढ़ते रहेंगे। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और हम पढ़ेंगे आज ज्योग्राफी, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं भूगोल। इसका दोस्तों हम चैप्टर पढ़ने वाले 1। एक चीज याद रखिएगा, ज्योग्राफी 9th क्लास के एनसीईआरटी हम पढ़ रहे हैं, क्लास 9th के एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, जिसमें टोटल 6 चैप्टर हैं और उसमें से हम पहला चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है भारत। आकार और स्थिति। इंडिया साइज एंड लोकेशन। तो देखिए, इंडिया के बारे में जानने से पहले दोस्तों, इंडिया की साइज क्या है, लोकेशन क्या है, इससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हमारा ग्लोब कैसा है, ठीक है, हमारा संसार कैसा है, महाद्वीप क्या होते हैं, ये बेसिक्स थोड़े से कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए। देखिए, अगर हम पृथ्वी की बात करें तो आपको पता है पृथ्वी हमारी पूरी गोल है, राइट। तो देखो, अगर आप किसी लोकेशन पे रहते हैं, अगर आप सपोज किसी लोकेशन पे जाते हैं, तो हमें पता कैसे चलता है कि आप कहाँ पे हो? आप बता तो देते, आज के टाइम पे हमने नाम दे दिया, ठीक है। बट अगर मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान, तो हमारे पाकिस्तान किधर है हमें ये तो पता होना चाहिए, नॉर्थ में है, साउथ में है, तो इसके लिए हमने क्या किया, डायरेक्शन दिया। बट हमें एग्जैक्ट लोकेशन पता हो, आप जैसे अगर मैं आपसे पूछूँ कि आप अमेरिका में हो, राइट, अगर मैं यहाँ इंडिया में बैठ के अगर आपसे पूछूँ आप अमेरिका में हो, तो आप ये तो बता दो कि अमेरिका में हो, मैं आप लोकेशन बता दूंगा इस साइड आप हो, लेकिन अमेरिका में किस जगह हो ये आप कैसे पता चले, राइट। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम कोऑर्डिनेट्स लिए, हमने अक्षांश लिए, देशांतर लिए, जिसको हम लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड बोलते हैं, ठीक है। तो उसको हम अभी समझते हैं। सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट, ये हमारी पूरी पृथ्वी है जो 23.5 डिग्री पे झुकी हुई है। जो आप ग्लोब आप घर में देखते होंगे, आपके घर में देखो, घर में या ऑफिस में कहीं भी आपने देखा होगा, तो आप देखेंगे वो थोड़ा सा टिल्ट होता है, थोड़ा सा झुका हुआ होता है। उसका झुके हुए का रीजन यही है कि हमारी जो पृथ्वी है वो 23.5 पे झुकी हुई है, तो इसी वजह से हमारा ऐसा बनता है। सबसे पहले हम बात करते हैं, देखो इस बीच वाली में ना, पृथ्वी को जब सबसे बीच से हमने जब अलग किया, तो इसको हम बोलते हैं भूमध्य रेखा या इक्वेटर बोलते हैं, ठीक है। तो ये याद रखिए, विषुवत रेखा भी इसको बोलते हैं, इक्वेटर बोलते हैं, इक्वेटर भी बोलते हैं इसी को, विषुवत रेखा भी इसी को बोलते हैं। तो जो सबसे बीच से हमने लाइन काटी उसको हमने दे दिया 0, ठीक है। इससे दोस्तों हम ऊपर भी चलते गए और नीचे भी चलते गए। तो हमने ऐसा नहीं किया कि ऊपर गए तो पॉजिटिव, नीचे गए तो निगेटिव, नहीं, हमने इसको भी पॉजिटिव लिया, इसको भी लिया, तो हम ऐसे लाइन खींचते गए। तो टोटल हमें जो लाइन मिले दोस्तों, वो टोटल 90 मिले। तो जब नीचे चलते गए तो हमने इसको साउथ नाम दे दिया, और ऊपर चलते गए तो हमने इसको क्या दे दिया, नॉर्थ नेम दे दिया, राइट। और इसके बाद हमने इधर चले तो हमने इसको ईस्ट बोला, और हम इधर चले तो इसको हमने वेस्ट बोला। देखो, ईस्ट इधर हो गया, वेस्ट इधर हो गया, साउथ इधर हो गया, और नॉर्थ इधर हो गया। अब देखो, ये लाइन जो हमने खींची वो कहाँ से खींचा, हम खींचते कहाँ से, हमें ये नहीं पता था कि ये लाइन हम कहाँ से ड्रॉ करें, हमें ये कोई आइडिया नहीं था, राइट। तो हमने क्या सोचा, एक मीटिंग हुई लंदन में, ग्रीनविच में, तो वहाँ पे हमने डिसाइड किया कि हम लंदन की ग्रीनविच से एक लाइन खींचेंगे जिसको हम कहेंगे ये 0 डिग्री लाइन है, ठीक है। तो वहाँ पर हमने क्या मान लिया, इस जो ग्रीनविच के लाइन हमने खींचा उसको हमने 0 डिग्री मान लिया ऐसे में, ठीक है, जिसको हम 0 देशांतर बोलते हैं हिंदी में, ठीक है, और उसको हम लॉन्गिट्यूड बोलते हैं इंग्लिश में। वो कॉन्सेप्ट समझेंगे अभी, लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड क्या होता है आराम से समझेंगे, इमेज के साथ भी समझेंगे, जस्ट मैं अभी बेसिक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। तो इंडिया आप देखोगे तो हमारा इंडिया कहीं इधर आता है, अगर आप इंडिया का मैप बनाओगे तो आप पूरा इंडिया आपका इधर आता है। मैं एक बस रफ इमेज बना दे रहा हूँ, ठीक है, मान लो इंडिया यहाँ पे है, ठीक है। तो इंडिया आपका कहाँ जाता है, देखो इधर ईस्ट है आपका, इधर साउथ है, इधर वेस्ट है, इधर नॉर्थ है। तो मैपिंग अगर डायरेक्शन के आपको बताओगे, देखो इधर अगर ईस्ट होता है, इधर साउथ होता है, तो इसके बीच वाले को हम क्या कहते हैं, साउथ ईस्ट कहते हैं, राइट। अगर वेस्ट है, इधर इधर आपका साउथ है, तो साउथ वेस्ट बोलते हैं हम। इधर देखो आप, नॉर्थ है और वेस्ट है, तो नॉर्थ वेस्ट बोलते हैं। अब इधर देखो, नॉर्थ है, ईस्ट है, तो इधर के डायरेक्शन क्या बोलते हैं, नॉर्थ ईस्ट। तो अगर भारत की लोकेशन पूछा जाए आपसे किधर है, तो पृथ्वी पे अगर बात करें हम, पूरे ओवरऑल पृथ्वी पे बात करें, तो भारत की लोकेशन दोस्तों नॉर्थ ईस्ट में है। अब क्या
अक्षांश क्या होता है, देशांतर क्या होता है, बेसिक थोड़ा सा बता देता हूं मैं आप, बाकी आपको इमेज के थ्रू मैं अभी समझा दूंगा, राइट। तो उसके बाद हम देखेंगे इंडिया के बारे में, ठीक है, क्योंकि ये चैप्टर पूरा इंडिया के बारे में ही है, इसके बारे में नहीं है, वर्ल्ड के बारे में रहता है, तो हम बहुत डिटेल में इसमें पढ़ेंगे, बट फिर भी मैं आपको स्क्रीन के माध्यम से उसको समझा दूंगा, जिससे कि आपको एग्जैक्ट लोकेशन पता हो, एग्जैक्ट चीजें पता हो कि देशांतर क्या होता है, इमेज क्या होता है, ठीक है, कैसे दिखते हैं ये चीजें, कॉन्टिनेंट। देखो अभी इमेज के माध्यम से हम क्या क्या पढ़ेंगे, अभी सबसे पहला बेसिक कॉन्सेप्ट आपको महाद्वीप पता होना चाहिए। महाद्वीप को बोलते हैं कॉन्टिनेंट, मैं आपको बताते चल रहा हूं, ठीक है। महाद्वीप को कॉन्टिनेंट बोलते हैं, फिर ओशियन क्या होते हैं जिसको महासागर के नाम से जानते हैं। महासागर से अगर आगे हम बढ़े, महासागर से जब आगे बढ़ोगे तो आपको एक तो पता होना चाहिए अक्षांश व देशांतर। अब देखो अक्षांश और देशांतर क्या होते हैं, इसको हम बोलते हैं अक्षांश को बोलते हैं दोस्तों लैटिट्यूड, और देशांतर को बोलते हैं लॉन्गिट्यूड, ठीक है। अक्षांश को बोलते हैं लैटिट्यूड और देशांतर को बोलते हैं लॉन्गिट्यूड। अब देखो जो लाइनें हमने पृथ्वी गोल जब सर्कल बनाया, जब ऐसे हमने पृथ्वी गोल बनाया तो हमें कुछ बड़े बड़े भाग मिले पृथ्वी पे, जो बड़े बड़े एरिया मिल गए उसको हमने नाम दे दिया महाद्वीप। आपने द्वीप सुना होगा ना, द्वीप होते हैं आइलैंड जिसको बोलते हैं, आइसलैंड लिखते हैं बट पढ़ते हैं उसको आइलैंड है, ठीक है। उस आइलैंड में आप देखोगे छोटे छोटे द्वीप होते हैं, उसको हम द्वीप बोलते हैं, बट ढेर सारे द्वीपों को मिला दो तो क्या बन जाता है, महाद्वीप हिंदी में अगर बात करें हम, जिसको कॉन्टिनेंट बोलते हैं। तो कई सारे देशों को मिला के कॉन्टिनेंट बनता है, तो उसको हम जो एक पूरा भूभाग होता है, जो पूरा समुद्र से घिरा होता है बड़ा सा भूभाग, उसको बोलते हैं हम कॉन्टिनेंट या महाद्वीप बोलते हैं। जब हमने अर्थ में बनाया तो इधर आप देखोगे तो इधर आपका आपका नॉर्थ अमेरिका एक महाद्वीप आ जाता है, फिर इधर देखोगे तो आपका साउथ अमेरिका आ जाता है, ठीक है, फिर इसके बाद यूरोप यहाँ पे आ जाता है, फिर देन अफ्रीका यहाँ पे आ जाता है आपका, फिर इधर एशिया आ जाता है अफ्रीका से लगा हुआ, राइट, यहाँ इंडिया आ जाता है, इधर ऑस्ट्रेलिया आ जाता है आपका, और इसके बाद इधर देखोगे तो आपका अंटार्कटिका आ जाता है। ऊपर देखो आर्कटिक में जमीन नहीं है, तो ये आप कंफ्यूज नहीं होइएगा कि आर्कटिक भी क्या है, एक महाद्वीप है, नहीं आर्कटिक महाद्वीप नहीं है, महासागर है, तो ये चीज याद रखिएगा। उसके बाद कॉन्सेप्ट होता है सागर। देखो छोटे छोटे जल भाग को हम क्या बोलते हैं, ठीक है, जैसे बोलते हैं ना बंगाल की खाड़ी, तो छोटे छोटे भाग को खाड़ी भी ये सब बोलते हैं, लेकिन उससे थोड़ा सा बड़ा होता है उसको सागर बोलते हैं, और उससे भी बड़ा हो जाए पानी का एक भाग जो छोटा सा है उसको बे बंगाल खाड़ी ऐसे बोलते हैं, जो कुछ जमीन से गिरा होता है कुछ समुद्र से गिरा होता है, बट ये जब धीरे धीरे बड़ा होता है तो उसको हम सागर बोलने लगते हैं, बोलते हैं ना सागर में गागर भरना, तो ऐसे ही समझ लो आप, ठीक है। तो जैसे ये बड़ा होगा तो उसको हम सागर बोलते हैं, लेकिन और ज्यादा बड़ा हो जाए बहुत विशालतम इकाई में फैल जाए तो उसको हम बोलते हैं महासागर, जिसको हम ओशियन के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ये हो गया ओशियन। तो ओशियन देखो इधर इधर वाले, यहाँ पे पैसिफिक ओशियन है, यहाँ पे अटलांटिक ओशियन है, यहाँ पे इंडियन ओशियन है, यहाँ पे साउदर्न ओशियन है, और यहाँ पे आर्कटिक ओशियन है। यस मैं आपको समझा रहा हूं, अभी मैं इमेज में सारी चीजें दिखाऊंगा आपको, सारी की सारी चीजें अभी काउंट कराऊंगा कैसे बनता है। अब क्या हुआ, पृथ्वी गोल थी तो हमने क्या क्या रेखाएं खींची, जैसे कि हम एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन अगर हमें जाना हो तो हम वहां पर पहुंच सके, तो ऐसी जो रेखाएं खींची हमने दोस्तों, इसको हमने नाम दे दिया देशांतर, जिसको हम बोलते हैं, इसको नाम दे दिया हमने देशांतर, जो हमने ऐसी रेखाएं खींची, ठीक है, इंग्लिश में बोले तो लॉन्गिट्यूड, ऐसी रेखाओं का हमने नाम दे दिया। और जो हमने ऐसी रेखाएं खींच दी, यहाँ पे मैं समझा देता हूँ, हमने जो ऐसी रेखाएं खींची, तो पैरेलल टू जो रेखाएं पैरेलल टू आपका इक्वेटर हो गया, उसको हमने नाम दे दिया अक्षांश रेखाएं, ठीक है, इसको बोलते हैं हम अक्षांश रेखाएं, जो हमने पृथ्वी के ऐसे खींच दिया था। मैं इसको हटा देता हूँ एक बार, ठीक है, इसको बोल दिया हमने अक्षांश रेखा है, इसको हमने बोल दिया देशांतर रेखा है, लेटिट्यूड। अच्छा याद कैसे रखेंगे, देखो ये है ना, ये लाइन देख रहे हो आप, लेटी हुई लाइन है, जैसे हम सोते हैं तो उसको बोलते हैं लेटी हुई लाइन, या लेटे हुए हम रहते हैं ना तो ऐसे रहते हैं, तो इसमें देखो लेटी आ गया, लेटी से आप याद रखेंगे क्या है, लेटिट्यूड कौन सा होता है, जो ऐसे लेटा होता है उसको हम बोलते हैं लेटिट्यूड, तो उसको हम अक्षांश बोलते हैं, तो ऐसे आप याद रख सकते हो, राइट, ऐसे इस कॉन्सेप्ट से आप याद रखो, एक याद रखोगे दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। तो हमने क्या देखा अभी तक, अक्षांश ऐसे होते हैं, देशांतर ऐसे होते हैं, ओशियन एक बहुत बड़े भाग को बोलते हैं, और महाद्वीप आपको इसको बोलते हैं। अब अभी आपके सामने इमेज आएगा, ये चारों कॉन्सेप्ट हम स्क्रीन पर सबसे पहले पढ़ लेते हैं। दोस्तों पहले कॉन्टिनेंट की बात करें तो देखो ये हो जाता है आपका नॉर्थ अमेरिका, देन सेकेंड साउथ अमेरिका, थर्ड हो जाता है आपका यूरोप, फोर्थ अफ्रीका, फिफ्थ एशिया, सिक्स ऑस्ट्रेलिया, सेवन्थ अंटार्कटिका। नंबर वन
नंबर सेकेंड, नंबर थ्री, नंबर फोर, नंबर फिफ्थ, सिक्स एंड सेवन। देखिए एक सिक्वेंस हम अगर याद करेंगे तो हमें लॉन्ग टर्म तक याद रहेगा। ऊपर से फिर नीचे जाएंगे, फिर ऊपर से फिर नीचे, फिर ऊपर से फिर नीचे, और आपका सबसे नीचे आ जाता है अंटार्कटिका। इस सिक्वेंस याद रखेंगे तो हमारे टोटल कॉन्टिनेंट कितने हो जाते हैं, सेवन। अब ओशन की बात करें अगर, तो देखो पैसिफिक ओशन को हम शुरू में दो भागों में बांट के पढ़ते हैं, नॉर्थ नॉर्थ पैसिफिक ओशन एंड साउथ पैसिफिक ओशन, बट दोनों का मिला के एक ही नाम से जानते हैं, पैसिफिक ओशन। ऐसे अटलांटिक ओशन है तो देखो ऊपर वाले को नॉर्थ बोलते हैं, नीचे वाले को साउथ बोलते हैं, बट एक साथ मिला के इसको हम अटलांटिक ओशन के नाम से ही जानते हैं। इसके बाद आता है आपका इंडियन ओशन, जिसको हम हिंद महासागर के नाम से जानते हैं। उसके बाद आता है आपका चौथे नंबर साउदर्न ओशन, जिसको हम दक्षिणी सागर के नाम से जानते हैं, दक्षिणी महासागर के नाम से भी जानते हैं। और उसके बाद ऊपर आता है आपका आर्कटिक ओशन। देखो आर्कटिक महाद्वीप नहीं है क्योंकि यहाँ पे ज़मीन नहीं है, बट ये सागर है, तो आर्कटिक का याद रखेंगे आपका आर्कटिक ओशन या आर्कटिक महासागर के नाम से जानते हैं। तो टोटल अगर हम काउंट करेंगे तो हमारे कितने महासागर हैं, तो सबसे पहला आता है पैसिफिक, जिसको हम प्रशांत महासागर बोलते हैं। दूसरा आपका आता है अटलांटिक महासागर, ठीक है। तीसरा आता है आपका हिंद महासागर, जिसको हम इंडियन ओशन बोलते हैं। फोर्थ आता है आपका साउदर्न ओशन, जिसको हम दक्षिणी महासागर बोलते हैं। अगर फिफ्थ की बात करें तो इसको बोलते हैं हम आर्कटिक ओशन, ठीक है। देखिए अगर हम पूरे मैप को देखें, अगर पूरे हम अपने ग्लोब को देखें, तो देखो ग्लोब के साथ साथ हमें, मैंने जस्ट अभी आपको बताया कि अगर बीच से इसको हम काटते हैं तो इसको हम बोलते हैं इक्वेटर, और इसके ऊपर अगर देखें तो 23.5 नॉर्थ को हम टॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं, इसको कर्क रेखा बोलते हैं, और साउथ में 23.5 साउथ को टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, या इसको हम मकर रेखा के नाम से जानते हैं। इसका रीज़न क्यों है, हम 23.5 लेते क्यों है, क्योंकि हमारी पृथ्वी 23.5 डिग्री पे क्या है, झुकी हुई है, ठीक है। ये पॉइंट्स आप याद रखेंगे। उसके बाद देखो सबसे बड़े महाद्वीप की बात करें एरिया के हिसाब से, लैंड एरिया के हिसाब से, सबसे बड़ा आ जाता है आपका एशिया, सेकेंड नंबर पर आता है अफ्रीका, थर्ड पर नॉर्थ अमेरिका, फोर्थ पर साउथ अमेरिका, फिफ्थ पर आ जाता है आपका अंटार्कटिका, सिक्स पे आ जाता है यूरोप, ने सबसे लास्ट में ऑस्ट्रेलिया। आपको इसमें याद रखना है दोस्तों, सबसे ऊपर आता है आपका एशिया और सबसे लास्ट में आता है ऑस्ट्रेलिया। ये है आपका एरिया के हिसाब से, भूमि के हिसाब से, ठीक है। उससे आगे बात कर लेते हैं तो पॉपुलेशन के हिसाब से, देखिए जनसंख्या के हिसाब से बात करें तो मैंने जस्ट बताया आपको एशिया सबसे बड़ा है, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद सबसे कम बात करें, सबसे कम लोग कहाँ रहते हैं, तो ये रहते हैं अंटार्कटिका पे, ठीक है। तो अंटार्कटिका क्योंकि शोध के लिए काम करे जाते हैं, वहाँ पे लोग जाते हैं, एक्सपेरिमेंट के लिए लोग काम के लिए जाते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट्स आप याद रखिएगा। दोस्तों हम लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड में डिफरेंस समझते हैं। लॉन्गिट्यूड की बात करते हैं, उसके साथ साथ हम लैटिट्यूड की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं अक्षांश क्या होता है। देखिए अक्षांश को हम इंग्लिश में बोलते हैं लैटिट्यूड। अब इसको याद करने का तरीका क्या है, ये देखो रेखाएँ ऐसे खींची जाती हैं, ठीक है। तो ये लेटी हुई रेखाएँ जैसी हमें प्रतीत हो रही हैं, तो इसको हम लैटी के नाम से याद रखेंगे। जो लेटिट्यूड होती है वो लेटी हुई रेखाएँ होती हैं। लॉन्गिट्यूड की बात करें तो जो हम सीधी रेखाएं खींचते हैं उसको बोलते हैं हम लॉन्गिट्यूड या देशांतर। जो देशांतर होता है दोस्तों वो आपका पोल से पोल तक जाता है, नॉर्थ पोल टू साउथ पोल आप देखेंगे तो आपकी ये रेखाएं जाती हैं, ठीक है। तो आपसे ये क्वेश्चन कभी कभी बन जाता है कि लॉन्गिट्यूड और आपका लेटिट्यूड रेखाएँ कैसे खींची जाती हैं, तो आप याद रखिएगा लेटिट्यूड जो होता है वह आपका लेटी हुई रेखाएँ होती हैं, जबकि देशांतर जो होता है आपका नॉर्थ पोल से साउथ पोल को मिलाकर रेखाएं खींची जाती हैं। अब दूसरा क्वेश्चन आपसे ये बन जाता है कि अगर देखो अगर बीच इसको हम इसे डिवाइड कर दें तो आप देखोगे कि लॉन्गिट्यूड जिसको हम देशांतर बोलते हैं, इनके बीच का जो मैक्सिमम डिस्टेंस है ये दोस्तों भूमध्य रेखा पे होता है। तो भूमध्य रेखा पे इसकी मैक्सिमम डिस्टेंस कितनी होती है ये पूछ लिया जाता है। तो याद रखिएगा 111.3 किलोमीटर इसकी डिफरेंस होती है, ठीक है। डिस्टेंस इसकी 111.3 किलोमीटर होता है। उसके साथ साथ अगर आपसे अक्षांशों के बीच की दूरी पूछ दे कि दो अक्षांशों के बीच की दूरी कितनी है या दो लैटिट्यूड के बीच की दूरी कितनी है, तो ये याद रखिएगा ये होता है आपका 111 किलोमीटर। देखो लॉन्गिट्यूड में आपका 111.3 किलोमीटर होता है, जबकि इसमें 111 किलोमीटर होता है, और इसी को हम 69 माइल्स के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों आपने ये पढ़ लिया कि ओशन क्या होता है, महाद्वीप क्या होता है, कॉन्टिनेंट क्या होता है, ठीक है। अब भारत की स्थिति के बारे में पढ़ते हैं और भारत के बारे में मेन पढ़ते हैं जो हमें इस चीज में इस चैप्टर में पढ़ाया गया। देखिए ये एक हमारी पृथ्वी है, इस वाले भाग को, बीच वाले भाग को हम बोलते हैं इक्वेटर। ये जस्ट मैंने आपको पढ़ाया भी, ठीक है, इसको इक्वेटर बोलते हैं या तो भूमध्य रेखा बोलते हैं, विषुवत रेखा बोलते हैं। 23.5 इसको बोलते हैं टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, टॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं, ठीक है, और इसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ऊपर वाले को बोलते हैं, नीचे वाले को बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ठीक है।
23.5 ये साउथ है, 23.5 नॉर्थ है और इसको बोलते हैं 0 डिग्री। अब ये पता है आपको डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, ये लेते हैं हम सेंटर से, ठीक है। इस सेंटर से अगर यहां पे अगर एंगल आप चेक करोगे तो ये आता है 23, यहां से एंगल आता है 23। इस हिसाब से लेते हैं, जैसे आप यहां पे देखो कभी एक 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 लाइन चल के हम पूरा काउंट करते हैं, अगर उसमें आप काउंट करोगे ऐसे, देखिए अगर मैं 1 डिग्री की बात करूं तो 1 डिग्री देखो तो यहां से ये होता है 1 डिग्री, बट लिखते हैं हम यहां पे 1 डिग्री, फिर इधर से चेक करते हैं यहां से 1 डिग्री, फिर यहां पे आया 1 डिग्री, फिर हमने क्या किया इस रेखा को ऐसे मिला दिया और ये हमने यहां से हटा दिया। तो ऐसे हमने खींचते चले गए रेखाएं, ऐसे ऐसे खींचते चले गए, टोटल हमने 90 रेखाएं खींची है। आप अगर ध्यान से देखोगे तो सेंटर से यहां पे जब हम 90 डिग्री तक पहुंचते हैं तो यहां से अगर आप मिलाओगे तो ये देखोगे एंगल 90 डिग्री बनता है। ये बहुत ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट है जो हमें शायद नहीं पता होता है, बट ऐसे हम रेखाएं खींचते हैं जो हमें बताया नहीं जाता, एक्चुअली इसकी जरूरत भी नहीं है, बट थोड़ा सा जान लें तो आपको थोड़ा आइडिया रहेगा कि रेखाएं खींची कैसे जाती हैं। तो ये कॉन्सेप्ट इसकी रेखाओं को खींचने के खींचने का, ठीक है। अब देखो अक्षांश जो होते हैं, जो लॉन्गिट्यूड होता है लैटिट्यूड होता है आपका, ये पैरेलल होते हैं। तो ये आप देखिएगा 69 माइल्स होते हैं इनके एक एक कंसेक्यूटिव या एक कह दो लगातार अक्षांश के बीच में, ठीक है। तो 69 माइल्स होते हैं तो अक्षांशों के बीच की दूरी, या हिंदी में बोले तो 111 किलोमीटर के आसपास होता है, ठीक है। तो 111 किलोमीटर का ही है या फिर 69 माइल्स का ही है, दो अक्षांशों के बीच की दूरी हम बोलते हैं, ठीक है, दो अक्षांशों के बीच की दूरी, ठीक है। दो लैटिट्यूड्स के बीच की दूरी जो होती है, जो डिस्टेंस होती है, वो होती है आपका 111 किलोमीटर या फिर 69 माइल्स होते हैं। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। अब थोड़ा इंडिया के बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है।